आज का हमारा गुड मॉर्निंग का इवेंट कैसा रहा और अब JDPL के बारे में क्या कहना चाहोगे? इवेंट बहुत अच्छा था, एज यूजुअल हर साल अच्छा ही होता है और JDPL के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं बहुत अच्छे, मतलब हर बार सबको पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं और एकदम फेयर प्ले होता है हमेशा। तो हम लोग तो बहुत हैप्पी है, हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, इस बार भी करेंगे, ट्रॉफी भी लेके जाएंगे। आज का हमारा मॉर्निंग का इवेंट बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा और हर साल जैसा ही सेम रहा। और जब स्पॉन्सरर्स भी आए थे तभी भी हम लोग ने बहुत अच्छे से चिल्लाया, आवाज़ किया, बहुत मज़ा आया। का इवेंट बहुत अच्छा था, JDPL का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा। मैं 2 साल से JDPL अटेंड कर रहा हूँ, सो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड एंड ये पूरा दिगंबर जैन समाज को एक संगठित करता है और बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है। और रुचित भाई का जो एंकरिंग है इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एंड द वे ही डिलीवर्स द स्पीच इट इज़ ऑसम। सो ओवरऑल जो मैनेजमेंट है इट्स रियली गोइंग गुड, थैंक यू। JDPL इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू प्ले क्रिकेट एंड जो आज इवेंट अरेंज किया था बहुत अमेजिंग था। जो सब स्पॉन्सर्स ने स्पॉन्सरशिप दिया है उनको जो मान मिलना चाहिए वो उनको मान मिला, सो दैट नेक्स्ट ईयर वो लोग उनको जो देना है और अच्छे से वो लोग दे सके। एंड एंकरिंग बहुत अमेजिंग था यहाँ का, रुचित शाह जो एंकर था उन्होंने बहुत अच्छे से एंकर लिया एंड पूरा शो को बहुत अच्छे से आगे लिया। ओवरऑल इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। गुड इवनिंग मैम, आज का हमारा मॉर्निंग का इवेंट कैसा था और आप JDPL के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा मैनेजमेंट था और JDPL बहुत मतलब अच्छा मैनेजमेंट और बैठने वगैरह का भी अच्छा है मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट मैच था, लाइक JDPL मैंने फर्स्ट टाइम खेला है एंड मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग वॉज रियली वेरी गुड। द मेन मोटिव वॉज टू एंजॉय एंड वी एंजॉयड अ लॉट, दैट वॉज द थिंग, सो इट वॉज रियली अमेजिंग। मॉर्निंग इवेंट सुपर्ब था और JDPL नेक्स्ट ईयर से थोड़ा ऑक्शन रखेंगे तो बेटर रहेगा क्या? तो फिर सब प्रॉपरली खेल पाएंगे, ऑक्शन रहेगा तो बेटर रहेगा। थैंक्स। का मॉर्निंग का इवेंट बहुत ही बढ़िया था, दो थोड़ा लेट हो गया लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जो भी उनका आयोजन है जो बहुत काफ़ी अच्छा है, मैं लास्ट 3 साल से आता हूँ यहाँ पे खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया से, तो जो मैनेजमेंट है जो अच्छी तरह से वो लोग करते हैं ऑर्गेनाइजिंग वो बहुत बढ़िया है, इसके ज़्यादा देखा नहीं है और ये वो लोग आगे करते रहे ऐसी हम लोगों की इच्छा है। JDPL एक जैन दिगंबर का बहुत ही एक अच्छा टूर्नामेंट है, यहाँ पे राजस्थान से और कई जगह से प्लेयर्स यहाँ पे खेलने आते हैं, तो बहुत ही एक ओवरऑल बेस्ट टूर्नामेंट कह सकते हैं जो साल में एक बार होता है। एंड मैं पिछले 3 साल से इस टूर्नामेंट को खेल रहा हूँ, तो इस लेवल के जो मैनेजमेंट और यहाँ पे जितनी चीज़ें प्लेयर्स को प्रोवाइड की जाती है तो शायद एक बेस्टेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स में से आप कह सकते हो। एज़ पर दी टर्फ लेवल पे क्या है तो बहुत आसानी से आपको इतने अच्छे लेवल्स के टूर्नामेंट्स खेलने नहीं मिलते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द JDPL मैनेजमेंट जिन्होंने इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ की एंड सब प्लेयर्स को खेलने का मौका दिया गया। सो थैंक यू टीम JDPL, बहुत अच्छा इवेंट रखा इन्होंने यहाँ पे और JDPL ने ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे, टूर्नामेंट बहुत अच्छा है। दूसरी बात कि गोल्डन सिल्वर सब अलग अलग इन्होंने रखे हैं, पार्ट रखे हैं इनमें, जो टीमें हार भी रही हैं उनको आगे भी चांसेस मिल रहे हैं कि हम आगे भी खेलें, जो अच्छी टीम है वो अच्छा खेल रही है, जो ख़राब भी खेली उसको आगे चांसेस मिल रहे हैं। दूसरी बात जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है, यहाँ पे टाइम पे सबको कॉल दे करके बुला दिया जा रहा है, टाइम पे खेल रहे हैं सब प्लेयर्स वगैरह, अच्छा है। भोजन की व्यवस्था अच्छी रखी है इन्होंने और बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। JDPL बहुत अच्छा इवेंट था, हमको मज़ा आया सर क्रिकेट खेलने का, बहुत एक्सपीरियंस हुआ, बड़ी बड़ी टीमें आई खेलने सामने और हमें बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा मैच हुआ। गुड इवनिंग, आज का हमारा मॉर्निंग का इवेंट आपको कैसा लगा और आप JDPL के बारे में क्या कहोगे? सो JDPL में जहाँ डिफरेंट टीम्स दे यूनाइट एंड दे प्ले टुगेदर, सो इट इज़ अ नाइस वे, लाइक पीपल कम एंड दे प्ले टुगेदर एंड दे शो स्पोर्ट्समैनशिप एंड जैसे लाइक ऑल द मैचेस आर लाइक कि एकदम हाईज लोज पे एट द एंड मोमेंट पे ट्विस्ट एंड टर्न्स इज फुल ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट, सो इट्स लाइक वर्थ कमिंग एंड एंजॉइंग दिस इवेंट। इट इज़ अमेजिंग द वे दे हैव हैंडल्ड इंटायर ऑल द मैचेस, ऑर्गेनाइजिंग इट, वेट लेट इट बी फूड और ऑर्गेनाइजिंग द टूर्नामेंट्स इन दैट इवेंट ऑर्डर, इट इज़ वेल मैनेज एंड इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का हमारा मॉर्निंग का इवेंट कैसा था और आप JDPL के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मॉर्निंग का इवेंट इट वॉज सुपर एज यूजुअल, हर साल यही होता है और इससे मतलब जो करते हैं बेस्ट था और मतलब एक्सपेक्ट के नेक्स्ट ईयर ऑल अच्छे से हो।
मॉर्निंग का इवेंट तो बहुत अच्छा था और JDPL भी बहुत अच्छे से बहुत मस्त है, बहुत मज़ा आती है, हर बार खिलाते हैं, 4 ईयर्स से हम लोग खेल रहे हैं, बहुत मज़ा आती है। मेन क्या है कि जो टीम है ना वो मैनेजमेंट टीम, वो नए समाज के लिए सबके लिए बहुत अच्छा कर रही है, नए बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट करते हैं वो लोग। JDPL एक्चुअली इट इज़ फॉर जैन। सो क्या होता है, एक इंटर कास्ट टूर्नामेंट होता है वेयर वी प्ले व्हाट यू से प्लेयर्स ऑफ इक्वल लेवल कैलिबर। नहीं तो अगर ये पूरा ओपन हो जाता है तो सब ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं ना कि कम्पीट करना भारी पड़ता है, बट ये ऐसा लेवल है कि वी कैन कम्पीट, एवरी टीम कैन कम्पीट ओवर हियर एंड प्ले अ गुड क्रिकेट। अदर मैनेजमेंट इज़ ऑसम, इतना अच्छा मैनेज किया, इतना अच्छा फूड, इतना अच्छा क्रिकेट, इतने अच्छे एम्पायर्स, एवरी थिंग वॉज परफेक्ट ओवर हियर। और एक और चीज़ है, जो 35 साल के जो 3 प्लेयर अलाउ किए उससे क्या होता है हमको खेलने मिलता है, और जो 3 मतलब खाली 8 जो 8 बॉलर डालेंगे बाकी के 4 बचे हैं वो पहले बैटिंग जाएंगे, तो एवरी प्लेयर हैज़ अ रोल। सो इट्स वेरी गुड टूर्नामेंट एंड इट विल एंड अ वेरी सक्सेसफुल टूर्नामेंट। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज का हमारा मॉर्निंग का इवेंट कैसा था और आप JDPL के बारे में क्या कहोगे? So first of all, JDPL is a very good platform for all the young as well as the old players of Jain community to come together, connect with each other and play cricket. So it also keeps the body fit and fine, plus you come to know people where you have not met. With respect to the morning thing, I think it was a beautiful event where all the दिग्गज जो जैन समाज के हैं उनको बुलाकर उनके बारे में बताया गया कि क्या क्या उन्होंने किया है, अदरवाइज यंग कम्युनिटी को कभी पता ही नहीं चलता कि क्या क्या काम उन्होंने किया है। सो आई वुड से इट्स अ वेरी गुड कंडक्टेड इवेंट। सो आई थिंक एवरीवन वाज विद द एंकर एंड नॉट गोइंग हियर एंड देयर। सो आई थिंक इट्स ही हैज़ अ वेरी गुड कैपेसिटी टू होल्ड द क्राउड टुगेदर एंड विथ रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट आई थिंक दे हैव कंडक्टेड इज इवेंट वंडरफुली। इट्स नॉट अ ईजी टास्क टू गेट 27 teams playing together 4 turns simultaneously plus they are playing. So I think it requires a lot of efforts. We usually just see ki tournament mein kya chal raha hai, uske back end pe jo efforts unhone li hai, the planning, the amount of efforts they are putting, I think it's a great great effort by the team. Thank you so much sir. JDPL ke season 4 hai and season 4 dheere 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 pehle kam team thi, 14 टीम, 16 टीम, 18 टीम, और आज मैं देख पा रहा हूँ 28 टीम्स, इट्स अमेजिंग। एंड जो स्टेज पे इवेंट किया, जो एंकर था, ही वाज अमेजिंग, और रियली सबने एंजॉय किया। एंड जो सिक्वेंशियल मैनर पे सब स्पॉन्सर्स को जो हमने रिस्पेक्ट दिया है वो देखिए बहुत अच्छा लगा मेरे को। एंड ये पूरे मुंबई में दिगंबर जैन समाज का इतना बड़ा लीग कभी ना हुआ है अभी तक, पहले कभी नहीं हुआ है, और मैं पहली बार देख रहा हूँ इतना बड़ा इवेंट हुआ है। इवन मैं मेरे बच्चे देखो बॉम्बे से आई है, गोरेगांव से आई, एंजॉय कर रही है, मज़ा आ रहा है इसको भी। माई वाइफ शी इज ऑल्सो एंजॉइंग वेरी मच, तो हमारे बच्चे वाइफ फैमिली भी एंजॉय कर रही है हमको देखते हुए। हार जीत एक अलग बात है, बट वी आर वेरी मच एंजॉइंग। एंड द इवेंट जिसने मैनेज किया है वो अच्छे से मैनेज किया है, मार्वलस ग्रुप जो है वो अच्छा मैनेज किया उन्होंने भी। ये JDPL जो लीग है, जो जैन समाज दिगंबर प्रीमियर लीग है, ये पिछले 5 साल से चल रहा है और काफ़ी अच्छे लेवल पर चल रहा है। एवरी ईयर लाइक अराउंड 200-250 लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ये साल लगभग लाइक 18 मेंस टीम है और 8 विमेंस टीम है। सो लाइक इट्स वेल ऑर्गेनाइज, लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेट, और बहुत ही अच्छी सुविधा की जाती है, लाइक राइट फ्रॉम लाइक यूट्यूब जो ब्रॉडकास्टिंग है वो हो रहा है, फिर खाने की सुविधा है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है, ये सब इट्स वेरी टॉप नॉच एंड अप टू द मार्क। So kudos to organizers for arranging this and I would encourage more people to participate in this tournament. मेरा बोलना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया है। सी यहाँ कितने सारे बच्चे हैं, मतलब कितनी टीमें हैं, 16-18 टीम्स हैं। आइडिया क्या है, सेम कम्युनिटी के लोग सारे इकट्ठे होते हैं अलॉन्ग विद द फैमिली। द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नाइस, बढ़िया है, फूड इज़ वेरी नाइस, सारे बच्चे लोगों को मज़ा आती है। इधर खाली जेंट्स या बॉयज नहीं है, वुमेंस भी है, गर्ल्स भी है, तो इट्स वेरी नाइस कॉन्सेप्ट।
मॉर्निंग इवेंट एंकर बहुत अच्छे थे एक्चुअली, बहुत ही वाइब्रेंट थे, वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, एक एक गेस्ट का उन्होंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया जो कि हमको बहुत अच्छा लगा। उनके बारे में स्टडी करके उन्होंने बात करी थी, नॉर्मली देखते थे रैंडमली कुछ बोल देते, बट आई हैव सीन जो स्पॉन्सर्स थे बड़े बड़े, जैसे कि रुलॉन हो गया, उन सब के स्पॉन्सर्स के बारे में जो एंकर्स ने थे काफ़ी डिटेल में बात किया, और काफ़ी इवेंट जो मॉर्निंग का था काफ़ी स्मूथली गया, एंड इट वॉज क्वाइट अमेजिंग। एंड अबाउट JDPL, टर्फ टूर्नामेंट्स में कम खेलता हूँ, बट जितने भी खेले अब तक का बहुत ही बेस्ट है, राइट फ्रॉम यू नो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैचेस एंड फूड एंड एवरीथिंग इज रियली रियली गुड। यू नो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले दिस टूर्नामेंट नेक्स्ट ईयर अगेन। मुझे, मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हुआ हूँ, और मुझे आपके दर्शन गांधी और रुचित शाह ने इन्वाइट किया था, मुझे बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगा, एकदम नया कंसेप्ट, नया आइडिया, नई सोच, काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और ऐसी इवेंट हर बार हुए और ऐसी गुजरात में भी हम लोग ऐसी इवेंट करें ऐसा प्लानिंग आज से मेरे दिमाग में आ गया है। मुझे यहाँ का उनका एंकरिंग रुचित शाह का एकदम मार्वलस लगा, क्या एंकरिंग किया था, क्या स्टाइल थी, व्हाट अ परफॉर्मेंस, आई वॉज सो मच हैप्पी, और ख़ास इतना ऑनर भी हुआ था कि इन लोगों ने मुझे स्पेशली इन्वाइट किया, यहाँ पे बुलाया, और आपका JDPL के अंदर ये आपकी इवेंट देखने का मौका मिला। थैंक यू। मॉर्निंग का इवेंट तो बहुत बढ़िया रहा, एकदम झकास था, जिसमें पूरा सिस्टमेटिक और सब व्यवस्थित हुआ था, और JDPL जो टूर्नामेंट है वो रियल में बेस्ट है, बेस्ट टूर्नामेंट है। जब भी आप देखोगे, हर गए साल भी मैं इसमें इन्वॉल्व था, इस टाइम में मैं कार्यकर्ता में इन्वॉल्व हूँ, और जो भी मैनेजमेंट में भी बहुत परफेक्ट है और बहुत व्यवस्थित हो रहा है। मॉर्निंग का इवेंट वॉज सुपर्ब, एक्सलेंट, एंड अरेंजमेंट वॉज नो डाउट ऑफ एनीथिंग। एंड स्पीकिंग अबाउट JDPL, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ देम के सब जैनों को एक साथ यूनाइट कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स के सहारे एक दूसरे से बॉन्डिंग बढ़ रही है, यही मेन कॉन्सेप्ट उनका कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल। और रुचित का क्या बोले, ही इज़ एन एक्सलेंट एंकर, एक्सलेंट होस्टिंग है उसका, सबसे बेस्ट पार्ट मैनेजमेंट तो डाउट ही नहीं है, इट इज़ सुपर्ब, सब कुछ अरेंज फर्स्ट क्लास किया हुआ है, और उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, अनडाउटेडली वेरी सुपर्ब, एक्सलेंट ऑर्गेनाइज। आज मॉर्निंग का इवेंट जो था वो पूरा इस टूर्नामेंट की जान है, इस टूर्नामेंट का जो ऑर्गेनाइज होता है वो पूरा उस इवेंट की वजह से होता है, मतलब JDPL को जो प्रायोजित करता है वो पूरा वो इवेंट ही करता है, उसमें हमारे पास जितने स्पॉन्सर हैं उन सब की वजह से ये टूर्नामेंट हमको सफल बनाने में मौका मिलता है, और बाकी मैच भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, और JDPL इस टूर्नामेंट में हमारी समाज जो दिगंबर जैन समाज है उसको, जितने युवा है उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करती है। शो है ये, और पूरा का पूरा टीम वर्क है, जिस तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, पूरे समाज को यूनाइट किया है, और जो एंटरटेनमेंट प्लस यूनिटी दोनों का काम कर रही है, लेडीज़ टूर्नामेंट है, किड्स के लिए भी है, और यंगस्टर्स सारे हैं, तो सारा अच्छा, सभी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरा लड़का तो ये साल से ही खेल रहा है, तो बहुत उसको इंटरेस्ट आया, और USA से आया है फिर भी यहाँ पर टाइम निकाल के आया, और बहुत अच्छा है, हमको भी देखने में मजा आ रहा है, पेरेंट्स एज अ। गुड आफ्टरनून सर, आज का हमारा मॉर्निंग का इवेंट कैसा था, और आप JDPL के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये शायद मैं सेकेंड सीजन या थर्ड सीजन में खेल रहा हूँ, JDPL का मैं थर्ड सीजन खेल रहा हूँ, और लास्ट टाइम का जो मैनेजमेंट था, जो अरेंजमेंट्स थे वो एक्सीलेंट था, दिस टाइम आई डोंट नो समथिंग इज ऑफ इन द इवेंट, पर दूसरा बात अच्छा हुआ ये है कि सभी टीम्स को मौका है टूर्नामेंट जीतने का, कप उठाने का, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, ब्रॉन्ज के लिए चांसेस है सभी टीम को, एंड तक कोई भी ऐसी टीम नहीं होगी जो नॉकआउट हो सकती है, तो वो एक अच्छा फन है, सभी टीम एंड तक खेल सकती है, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकती कि हम हार गए घर चले जाओ। अब तक के इवेंट्स में ऐसा होता था कि सैटरडे को ही दो तीन टीम, चार टीम घर चली जाती, तो उसके वजह से बहुत प्लेयर लोग थे जिनको कभी मौका नहीं मिला है जीतने का, वो एक टाइम कन्वर्ट हुआ है, तो वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है वो चीज़ को लेके। और बाकी टर्फ का गेम है, अनप्रेडिक्टेबल है,
कुछ भी हो सकता है। हमारे जैसा जो लास्ट टाइम जीता हुआ टीम हार चुका आज लूज टीम के सामने, तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग और ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं भूलना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपका मॉर्निंग का इवेंट कल और आज दो दिन बहुत अमेजिंग था, और JDPL के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट और एक क्रिकेट यहाँ पर जितने क्रिकेट फ्रेंडली है, जितने प्लेयर हैं बैड क्रिकेट फ्रेंड है। मेरे को पर्सनली JDPL का ये इवेंट और ये गेम और ये लेवल बहुत मजा आया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जितने भी प्लेयर हैं जितनी भी टीम है कोई नाराज होकर नहीं जाएगा। ईच एंड एवरी को सबको एक स्लॉट दिया है, सबको गोल्ड मेडल सिल्वर का चांसेस दिया है, तो एंड तक खेलना है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है JDPL का।